बाहर थिले केही पाखरे बसिबाकु पसंद करंती नाही। एणु गाधोई सारिबा परे प्रथम काम होई थाए परफ्यूम बा बॉडी स्प्रे लगाइबा। एहा द्वारा झाळार उत्कंठ गंधरु मुक्ति मिलथे। तेबे साधारणत एक धारणा रहिछि जे झाळ दुर्गंध करे, किंतु आपण जणि आश्चर्य हेबे जे झाळर कोनोसी गंध कि बासना नथाय। झाळरे जेतेबेले आम शरीरर बैक्टीरिया मिसि जांती सेतेबेले झाळ गंध होइथाय। सेहिपरि शरीरर जलीय अंश कम हेबा द्वारा मध्य झाळ गंध करिथाय। एहा व्यतीत झाळ दुर्गंध हेबार मध्य अनेक कारण रहिछि। तेबे आसंतु जानिबा झाळ दुर्गंध करे काहिंकि। चिंता बा मानसिक चाप जोगु शरीररु अधिक मात्रारे झाळ बाहरिथाय। एही समयरे शरीररे कार्टिसोल नामक एक हार्मोन तयारी होइथाय, जहा अधिक झाळ सृष्टि करे। अधिक परिमाणर झाळ बैक्टेरियाक संस्पर्शरे आसिबा फळरे दुर्गंध होइथाय। कॉटन पोशाक तुलनारे सिंथेटिक कपड़ा शीघ्र झाळ को शोषण करिपारे नाही। जदि आपणंकर अधिक झाळ बाहरुछि तेबे रेयन पॉलिस्टर भळी फैब्रिक पोशाक व्यवहार करंतु नाही। झाळ न सुखिबा जोगु बैक्टेरियाक संख्या बढ़ि जाए और शरीररु दुर्गंध बाहरिबाकु लागिथाय। विश्वास हेउ नथिले मध्य एहा सत, परफ्यूम जोगु मध्य झाळ गंध करिथाय, किंतु एहा केवल सही परफ्यूम जोगु हुए जेउथिरे आंटी बैक्टेरियल गुण नथाय। जदि आपण अधिक औषध सेवन करुछंती तेबे एहार प्रभाव आपणंक शरीरर झाळ उपरे मध्य पडिथाय। मेडिसिन ने थिबा रासायनिक तत्व शरीरर गंध को प्रभावित करिथाय। एभली स्थिति रे झाळ व शरीरर गंध मिसि दुर्गंधरे परिवर्तित होइथाय। मसला खाद्य सेवन द्वारा मध्य शरीररु गंध बाहरिथाय। शरीरर एही गंध झाळ सह मिसिबा परे झाळ भी गंध होइथाय।